हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा दसवीं अभ्यास प्रश्न पत्र प्री बोर्ड परीक्षा का विषय संस्कृत का पेपर सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। क्योंकि सभी ज़िलों में जो है संस्कृत के प्री बोर्ड के पेपर अलग अलग बनाए गए हैं, तो आप कमेंट जरूर करें कि आप किस ज़िले से हैं, इस प्रकार से यह पेपर किस ज़िले का है, तो आप कमेंट जरूर करें। तो हम इस पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न क्रमांक एक में उचित विकल्पम चित्वा लिखित, पहला प्रश्न है पितृणाम इत्यस्मिन पदे विभक्ति अस्ति, तो इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। आ नंबर को ऑप्शन इसका उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है इदानी वायुमंडल प्रदूषित मस्ति, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ना इसका आंसर होगा, आ नंबर को ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है बालकस्य इति रूप कस्य विभक्ति अस्ति, तो इसका आंसर षष्ठी विभक्ति होगा, द नंबर को ऑप्शन इसका उत्तर होगा। तो सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से नोट करते जाइए, और चैनल पर जो है सभी विषय के अभ्यास प्रश्न पत्र सेट ए के सभी विषय के और सेट डी के सभी विषय के अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न चार इस प्रकार से पूछा गया है द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति, तो क्या हो जाएगा द्वितीय विभक्ति इसका? जो इसका हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका चौथे का आंसर जो होगा यहाँ पर द नंबर को ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर। इसके बाद जो है पांचवा प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया रमा इति शब्द से बहुवचनस्य रूपम अस्ति, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? रमा हो जाएगा, बहुवचन क्या हो जाएगा? रमा हो जाएगा। छठवां प्रश्न है अधोलिखितेषु अव्ययम् नास्ति, तो यहाँ पर अस्तु इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दो में आपको शुद्ध वाक्यमं समक्षम आम लिखना है और अशुद्ध वाक्यान समक्षम ना लिखना है। तो पहला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा? असत्य होगा, तो यहां पर आपको ना लिखना है। दूसरा प्रश्न आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, तो दूसरे प्रश्न का उत्तर आम हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपका क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा, अर्थात सत्य होगा। चौथे प्रश्न का जो उत्तर होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा। पांचवें प्रश्न का जो उत्तर होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। और छठवें प्रश्न का जो उत्तर होगा ना हो जाएगा। इन सभी के आंसर आपको यहाँ पर लिखित रूप में बताए जाएंगे, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीन है युग्ममेलनम कृत, सही जोड़ियां बनाइए। पहला है विद्या अभ्यास, तो इसकी जो है आपको ड नंबर से मिलाना है, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है सदैव, तो सदैव क्या होती है? एक वृद्धि स्वर संधि होता है, चा नंबर से मिलाना है। तीसरा है दशानन, तो दशानन बहुव्रीहि समास होता है, का नंबर से आपको मिलाना है। इसके बाद चौथे नंबर पर दिया गया त्रिमुखी, तो यहाँ पर त्रिमुखी जो होगा द्विगु समास हो जाएगा, खा नंबर से मिलाना। पंचवटी भी द्विगु समास होगा, तो आपको चा नंबर से मिलाना है। और इसके बाद लास्ट है अनुरूपम, तो अव्ययी भाव समास होता है। इस प्रकार से सही जोड़ियां हो जाएंगी, इनको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 में आपसे श्लोक पूछे गए हैं। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 में आपसे जो है श्लोक पूछा गया है, कोई भी आपको दो श्लोक लिखना है, दो अंक में पूछा गया है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 23 में आपसे एक चार अंक में निबंध पूछा गया है, तो हम इन दोनों के आंसर देखने वाले हैं। आपको विद्यार्थी जीवनम का निबंध बताया जाएगा, इसलिए आप कमेंट जरूर करें कि आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन चाहिए कि नहीं। तो जल्दी से प्रश्न क्रमांक एक के सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक एक के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दो के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे, इनको भी आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीन में सही जोड़ियाँ पूछी गई थी, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक तीन के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 13 में आपको दो श्लोक लिखना है, पहला श्लोक होगा सुभाषितानि, इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद आप दूसरा श्लोक इस प्रकार से लिखेंगे, तो दोनों श्लोकों को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीन में जो है आपको छात्र जीवन या विद्यार्थी जीवनम का आपको संस्कृत में इस प्रकार से आपको निबंध लिखना है, तो इस प्रकार से सबसे पहले आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद नीचे दिया गया, तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है इस प्रकार से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।